ब्रॉन्ज मेडल जीत के बहुत खुशी लग रहा है और देश सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी ने सेलिब्रेट कर रहे हैं और जब ग्राउंड में सभी ने सेलिब्रेट किया, लेकिन मैंने ऑलवेज क्वार्टर फाइनल मैंने सेलिब्रेट नहीं कर पाया था क्योंकि जो भी मेरा डिसीजन जो दिए थे अंपायर ने उसके वजह से मैं उस दिन सेलिब्रेट कर नहीं पाया, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जब जीता तो मैंने खुशी से सेलिब्रेट किया। जो भी पास्ट में मेरा जो था वो सारा भूल के मैंने ग्राउंड में सेलिब्रेट किया, चेंजिंग रूम में भी खूब नाचा मैंने। देखिए इंडिया हाउस में आके ये लग रहा है कि हम इंडिया में आने से लग रहा है, हम पेरिस में नहीं लग रहे। अभी इतना सुंदर ब्यूटीफुल आर्ट्स बनाए हैं, देख रहे हैं कि हमने अभी हम इंडिया पहुंच गया जैसे लग रहा है, तो मैं बहुत खुश लग रहा है। और आज इंडियन खाना भी मिला, जो भी डोसा या छोले भटूरे या जो मुंबई चाट सब खाया, टेस्टी लगा, बहुत मज़ा आया, भी खुशी खुशी से खाए पेट भर के। देखिए भाई के लिए, श्री भाई के लिए मैं क्या बोलूं, क्योंकि जितने भी देश के लिए खेले हैं 20 से 21 22 साल देश के लिए खेले हैं और उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन दिए हैं बहुत परफॉर्मेंस हाई रहा है, और ये जो फेयरवेल भाई का, इससे बड़ा और मेडल के साथ फेयरवेल और ऐसे मिल नहीं सकता किसी को। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ भाई के लिए, जो भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा और हमने ब्रॉन्ज मेडल के साथ विदाई दिया भाई को, और आने वाला भाई को बेस्ट विशेस देता हूँ, जो भी उसका ड्यूटी रहेगा वो अच्छा से ही करेंगे। देखिए जब ब्रॉन्ज मेडल जीते उसके बाद चेंजिंग रूम में पीएम सर का कॉल आया, सभी ने इकट्ठा होके बात किया और सर ने बेस्ट विशेस दिया सभी को, और वो वर्ड्स बहुत सभी को इंस्पायरेंस करता है क्योंकि देश पूरा देख रहा है। और उस टाइम इतना खुशी के मारे में हमने हंसी तो हंसी आ रहा था, और पीएम सर का जो विशेस था बहुत अच्छा था।